हेलो दोस्तों, वेलकम टू उज्ज्वल ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे बीएससी बीएड 2021 के एग्ज़ाम के बारे में। आपका एग्ज़ाम बहुत समय से, या लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम थी, तो इस बार भी बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि कोरोना का जो है सिस्टम अभी चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो उस समय में क्या है कि आपका सिलेबस जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को लेकर के खड़ा है। तो आप, एक तो क्लासेस नहीं लग रही आपकी, और उस वजह से, क्लासेस न लगने की वजह से आपका जो सिलेबस है उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। और मैं समझता हूँ कि सिलेबस जो है वो एक अच्छी रणनीति के साथ में कवर करना हो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो 99% स्टूडेंट जो होते हैं, उनको क्या होता है ना कि सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसी क्लास में वो पढ़ रहे हैं, फिर भी उनको अपने सिलेबस के बारे में क्या जानकारी नहीं होती। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें हम बात करने हैं करने वाले हैं कुछ टिक्स की, और अपने पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह से आपको वो सिलेबस कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ पहला पॉइंट कि स्टूडेंट जो है अपना सिलेबस किस तरह से कवरअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले अपना जो सिलेबस है, जो आप सिलेबस यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है, उसको आप अपने एक कॉपी के अंदर उनको अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, या उसका पूरा का पूरा हिंदी में, जो लैंग्वेज आपको समझ आती है हिंदी में या इंग्लिश के अंदर, उसको उतार लीजिए अच्छे से। ठीक है, बाद में क्या करना है कि आपको सिलेबस कवर अप करने के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर नोट्स नहीं है तो आप सिलेबस को लेकर के क्या उसको नहीं कर पाओगे। तो अब एक तरफ आपके पास नोट्स होनी चाहिए, चाहे वो अपने कहीं से भी आपने लिए हों या हमसे ही क्यों ना लिए हों, तो आप उन नोट्स को एक तरफ रखना है, दूसरी तरफ आपका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए परमानेंटली। ठीक है, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको करना क्या है कि सिलेबस में सबसे पहले देखेंगे कि अपने, जैसे ज़्यादातर जो है 5 यूनिटें अपने दी हुई होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उन 5 यूनिटों को सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक तरफ आपका अपने सिलेबस लेना है, दूसरी तरफ आपका जो स्टडी मटेरियल है वो रख लेना है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि सबसे पहले देखिए कि आप, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, 5 यूनिटें में से सबसे फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो अंदर, उसके अंदर आपके कितने टॉपिक्स बनने वो लिखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट, उसके अंदर आप देखिए सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनको आप, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में उसको लिखिए कि पहला पॉइंट, पहला टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये है, तीसरा टॉपिक, यानी कि उस यूनिट के अंदर कितने टॉपिक्स बन रहे हैं। ठीक है, और उस टॉपिक्स के अंदर, प्रत्येक टॉपिक के अंदर कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, तो डी ब्रोगली समीकरण में आपको वो किस किन किन लैंग्वेजेस में पूछ सकता है, क्या क्या लैंग्वेज आपको पूछ सकता है, या उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, या आपकी उसकी थ्योरी पूछ सकता है, या शॉर्ट में कुछ बातें कुछ है जो पूछ सकता है। तो ये डी ब्रोगली काफ़ी अच्छा टॉपिक है, उस पर जो है काफ़ी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो डिजाइन करके रखना है। सबसे पहले क्या है ना, जैसे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उस पर आप टिक मार्क लगा दीजिए, फिर सेकंड टॉपिक की ओर चलिए, और सेकंड जो टॉपिक है सेकंड, उस सेकंड टॉपिक पे उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। इसकी एक टाइमिंग फिक्स बना लीजिए कि जैसे फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट को अपने 5 दिन का टाइम, यानी 5 टॉपिक्स हैं तो 5 दिन का टाइम दीजिए, एक टॉपिक को डेली कवरअप करेंगे, तो 5 दिन में आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो रही है। तो 5 दिन में एक यूनिट कंप्लीट करोगे तो 25 दिन में 5 यूनिटें आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का करना है, तो एक 25 दिन में 5 यूनिटें कंप्लीट होगी। दो बुक्स आपकी हैं, जैसे फर्स्ट फिजिक्स की बुक है उसमें 5 यूनिटें हैं तो 5 दिन में, 25 दिन में वो कवर होगी, और सेकंड यूनिट की 25 दिन में, यानी कि आपके लगभग 1.5 से पौने 2 महीने में, पौने 2 महीने के करीब करीब आपके लगेंगे और आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
तो ऐसी स्ट्रेटजी बना करके आपको चलना है, तभी आप अपने सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या, अपने नोट्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट मटेरियल जो है उसी को आपको लेके बैठना है। ऐसा नहीं पूरी बुक्स लेके बैठ गए और उनमें से आपको जो करते जाने हैं लगभग 5-6 महीने का उसमें टाइम लग जाता है। तो शॉर्ट जो नोट्स हैं उन्हीं को आपको लेके बैठना है, तभी आप अपने एग्ज़ाम को 99% जो है वो कवर कर पाएंगे। तो ठीक है, ये एक अच्छे ट्रिक्स थी जो आपके सिलेबस को कवर करने के लिए प्रेफर की मैंने। उसी तरह से आपको जैसे फिजिक्स का आपने कंप्लीट किया, उसी तरह से आप डेली के डेली एक एक यूनिट को, आप प्रत्येक सब्जेक्ट को दीजिए, एक एक यूनिट प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट कीजिए। इसी तरह से डिवाइडेशन आपको करना है। अगर आप बोलें कमेंट बॉक्स में बोलें कि अगर आपको टाइम टेबल चाहिए कि किस टाइम टेबल पे हम करें, कितने 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 समय, कितने कितने यूनिट या सब्जेक्ट को कितना समय दें, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर डिटेल में आपका सिलेबस बताया जाए बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल तक का, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये थी एक अच्छी प्लानिंग जो आपको अपने कम से कम समय में अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिमांड पे मैं लेके आऊँगा टाइम टेबल और भी कुछ बातें जो आपके डाउट्स आते हैं उन पे बात करेंगे। तो थैंक यू, आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।